दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली भूमि से पड़ोसी देश के आपन सेना फिरता ले जाएला, प्रधानमंत्री के आग्रह। 1 इंच नेपाली भूमि केहू के कब्जा करे ना देव के प्रतिबद्धता। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैठक बैठी, प्रधानमंत्री ओली द्वारा अध्यक्ष आ प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सुम्पे के तैयारी। सरकार के ही गलती से भारत अपना नक्शा में लिम्पिया धुरा राखल, विज्ञेशक के कहनाम बीतल कमी कमजोरी सुधारेला सुझाव। 2020 में अमेरिका में नया राष्ट्रपति खातिर निर्वाचन हो रहा, उम्मीदवार बने की होड़ में रहल नेता सबके सावधानी अपनावला, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के आग्रह। आ T10 क्रिकेट में आज पारस खड़का आ संदीप लामिसानी के टीम खेली, पारस आ संदीप टीम में पड़े के संभावना। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के भूमि से पड़ोसी सब के आपन सेना फिरता ले जाएला आग्रह कैले बानी। नेकपा सरकार 1 इंच भी नेपाली भूमि केहू के हड़पे ना देवे के आ दोसर के भूमि भी अपना सब के ना चाही कहत प्रधानमंत्री ओली। नेपाली भूमि से विदेशी सेना हटा के ही छाड़े के प्रतिबद्धता व्यक्त कैनी। आज नेकपा भातृ संगठन युवा संघ के राष्ट्रीय एकता भेला के संबोधन करत वहाँ के विश्व शांति खातिर नेपाली सेना पठाओल याद करत, नेपाल शांति के पक्ष में रहला, पड़ोसी से तनाव ना हो को कह के चाहल बतौनी। भारत कालापानी क्षेत्र के आपन नक्शा में समावेश कैला बाद नेपाल ओकर विरोध करते आयल बाटे। बीतल हफ्ता ओली के अध्यक्षता में बैठल सर्वदलीय बैठक में कालापानी के विषय में भी छलफल भइल रहे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्री परिषद पुनर्गठन के तैयारी कर रहा समय सत्तारूढ़ दल नेकपा के केंद्रीय सचिवालय बैठक बैठ रहा बा। इससे पहले नेकपा अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दहाला, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल से मंत्री परिषद पुनर्गठन से लेके पार्टी संचालन के संदर्भ में लंबा छलफल कर चुकल बानी। दोपहर 4 बजे सचिवालय बैठक बोलावल गई। नेकपा महासचिव विष्णु पौड़ेल जानकारी दिल बानी। नियमित एजेंडा पर ही छलफल होके के कहत प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली सब नेता सबसे परामर्श करे लागल बानी। नेकपा स्रोत के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली लंबा समय इलाज खातिर विदेश जाए के बारे छलफल हो रहा बाटे। प्रधानमंत्री लंबा समय ना रहल पर सरकार के काम कार्यवाही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के हैसियत से ईश्वर पोखरेल मार्फत आगे बढ़े के जनावल गई बा। सरकार के ही गलती के चलते भारत के आपन नक्शा में लिम्पिया धुरा राखे में सहयोग पुगल, विज्ञ सब बतौले बाटे लोग। भारत द्वारा अतिक्रमण कैल गई सीमा के बारे में विवाद करे से पहले 1846 से प्रयोग होते आयल नक्शा सही करला जरूरी रहल, विज्ञ सब बतौले बाटे लोग। राजनीतिक दल के नेता तथा सरकारी कर्मचारी सब भी लिम्पिया धुरा कहे वाला ठाव में सिर्फ लिपुले काहे कहल गई कारण खोज के विज्ञ सब के तर्क बाटे। सन्धिमा भनेअनुसारको म्याप बनेन, एउटा त्रुटि। दोस्रो लिपुलेखलाई चाहिँ देख्यो त्यो पछिबाट पनि उनीहरूले त्यसको सामरिक मत बुझे, त्यहाँबाट त्यसलाई पनि नेपालबाट हटाएर उनीहरूले 3 फेरि चाहिँ चेन्ज गरेको देखिन्छ। मलाई लाग्छ अब यसमा चाहिँ आरोप कसलाई, इन्डियालाई लगाउने हो कि ब्रिटिसलाई लगाउने हो कि कसलाई, त्यो अब एउटा विषय नै छ। अब किनभने हामीले सन्धि गर्दाखेरि हामीले गरेको ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसँग गरे, इन्डियासँग गरे होइन। काली नदी पूर्व आ पश्चिम कहल गई बाटे। सुगौली संधि में भी नेपाल से पश्चिम तरफ मात्र प्रवेश करे ना मिले के कहल गई कारण सहज रूप में आपन भूमि फिरता मिले के आधार खुलल रहल, विज्ञ सब बतौले बाटे लोग। भारत से ओह भूमि करीब 30 वर्ष पहले से ही प्रयोग करते आईला, नेपाल से भी नक्शा बनावत समय लिम्पिया धुरा काहे छूटल ई बारे में खोज तलाश करला भी विज्ञ सब सरकार के सुझाव दे। सानो खोल्सा कसलाई चाहिँ महाकाली बनेको छ, यदि चाहिँ मतलब मेरो भनाइ के छ भनेपछि चाहिँ त्यसरी चेन्ज गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई चाहिँ मतलब जानकारी नभएको त होइन होला जस्तो लाग्छ। के को आधारमा गरियो त्यति बेला चाहिँ केही डकुमेन्टहरू होला, एक आपसका केही समझदारी भएका केही मतलब केही दस्तावेज छन् पनि त्यसको पनि खोजी गर्नु पऱ्यो। मेरो ख्यालमा अब रिसर्चको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ त्यस्ता डकुमेन्टहरू खोजेको के को आधारमा त्यो नेपालको चाहिँ मतलब चाहिँ 1846 त्यो चाहिँ बाउन्ड्री सारियो त। भारतद्वारा सन् 1981 से सन् 2007 पहिले ही 8800 से बेसी जमीन अतिक्रमण कैल बताओल गेल बा।
नेपाल भारत के सीमा इलाम के संदुकपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 4 में भारत से अतिक्रमण कई जगह में अनरा स्वभाव नेपाली झंडा फहराउले बा। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के प्रतिकार में अनरा स्वभाव इलाम कमिटी नेपाल के झंडा फहराउल। कुछ समय आगे गांवपालिका से निर्माण शुरू कल गई भ्यू टावर के निर्माण अवरुद्ध करके भारत कब्जा कैल रहे। अनरा स्वभाव के केंद्रीय सदस्य रविन्द्र सुवेदी कोनो भी हालत में नेपाली भूमि के रक्षा खातिर विद्यार्थी सब तैयार रहल बताउले बानी। सन्दकपुर गाउँपालिकाले बनाएको टुटाले जसरी उसले रोकेको थियो र यहाँ छिर्नलाई समेत बन्द गरेको थियो त्यसलाई त्यो राखेर विद्यार्थी नेता सन्दीप भक्त शङ्कर नेपाली भूमि रक्षा कर्ला काँधपर जिम्मेवारी थपेके बताउने। अखिलके इलाम जिल्ला अध्यक्ष प्रवेश पराजुली विद्यार्थी नेपाली झंडा राखके ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कैल बताउने। भारत नेपाली भूमि कब्जा कैल विरोध में इलाम के विद्यार्थी सब हरेक दिन आंदोलन कर रहल बा। प्रत्येक 5 वर्ष में लागे वाला बारा के बरियारपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध गढ़ीमाई मेला अगहन 1 गते अर्थात आज से शुरू भइल बा। बहुते बड़ी चढ़ावल जाए वाला शक्तिपीठ सब में से गढ़ीमाई मंदिर में अहिंसावादी सबसे बलि रोके के प्रयास कैला पर भी बलि के संख्या में बढ़ोतरी होते गइल बा। बारा के गढ़ीमाई मेला में आवे वाला भक्तजन मध्य भारत से ही 65% आवे के आ बलि चढ़ावे खातिर पशु सभी लियावे के जनावल गइल बा। अघन 1 गते अर्थात आजू से शुरू भइल मेला में अघन 17 गते से मंदिर परिसर में भाखल कई लोग सब पीरवा उड़ावेला लोग। 17 गते रात के विधिवत पूजा आराधना कैला बाद 12 बजे शुभ जत्रा के समय निकाल के ब्रह्मस्थान में पंचबली बोका मूस मुर्गा सुअर हांस आ बनारस के डोम राजा से भिजावल भैंसा के बलि देवे के चलन बाटे। 18 गते अन्य बलि आ आपन आपन सुविधा मुताबिक देहल जाए वाला मंदिर के पुजारी मंगल चौधरी थारू जानकारी देहनी। मेन पुजारी चौधरी के मुताबिक अघन 17 गते रात 12 बजे के बाद नरबलि स्वरूप तांत्रिक द्वारा माथा जीव कान आ छाती से एक एक बूंद खून चढ़ौला बाद देरी खुद प्रज्वलित होके विधिवत तरीका से कार्यक्रम आगे बढ़ेला। खास पूजा होने दिन मूल पूजा भाखल करने खमीस भरने हम त्यो मंगसिर को शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को दिन देखिए स्टार्ट हो हम खमीस भरने अरुण प्रोग्राम जस्तो कि अब कोहीले यहाँ चादर चढाउने परेवा उडाउने यो सब त्यो तपाईँको मङ्सिरको शुक्ल पक्ष प्रतिपदादेखि त्यो स्टार्ट हुन्छ। मेलाके शान्तिपूर्ण बनावे खातिर स्थानीय प्रशासन से भी सम्पूर्ण तयारी सुरु कैल गेल बा। हामीले चार कुनामा चारवटा बाटा उहाँहरूले जुन पहिचान गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला टेन्टहरू लागेको छ। त्यो टेन्टको आसपासमा हामीले त्यो चाहिँ मेन हाइवेको छेउछाउ जस्तो पर्दो छ त्यो आसपासमा हामीले फायर ब्रिगेड एम्बुलेन्स लगायतका साधनहरू राख्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका छौँ। भारतकै सीतामढी बिर्गिनिया घोडासहान आदापुर रक्सौल नेपालकै वीरगंज कलेया गौर पिलुवा लगायत से श्रद्धालु भक्तजन सब गढीमाई दर्शन करे आवेला सन। बारा से अनिल तिवारी के रिपोर्ट। मोरंग के सुनवर्सी नगरपालिका के 14.5 किलोमीटर हुलाकी मार्ग करौजा कौमी अमरदह सड़क पीच होके के फैल बा। सड़क पीच न भइला से लंबा समय से सर्वसाधारण सबके समस्या होते आइल बा। मोरंग के सुनबर्षी नगरपालिका वार्ड नंबर 9 डाइनिया से अमरदह के सुगा तक 14.5 किलोमीटर सड़क पीच करे खातिर नगरपालिका द्वारा दुगो पैकेज में ठिक्का लगावल गेल बा। सुनबर्षी से मोरंग के उर्लाबारी जोड़े वाला सड़क निर्माण के काम 2 बरस भीतर में संपन्न करे के सिम से ठिक्का लगावल गेल हा। सड़क पीच करे वाला भइला बाद स्थानीय लोग सब बहुत एक खुशी बाड़न सन। बाटो थिए न पानी आउँदा बे हिलो हुन्छ गाडी आउँदै थिए न छोराछोरी जाँदै थिए न पर्न अब चाहिँ राम्रो हुन्छ विकास हुन्छ हाम्रो गाउँ राम्रो हुन्छ पर्न जान्छ सबै थोप राम्रो हुन्छ। सुनबर्षी नगरपालिका के नगरसभा द्वारा 53 किलोमीटर सड़क पीच करे के निर्णय कैल गेल बा। ओ मध्ये 22 किलोमीटर टेंडर लाग चुकल बा।
निर्माण शुरू कल गेल करौजा कैमी अमरदा सड़क खंड में भी स्थानीय खुद साइड क्लियर करके सहयोग कर रहल बाड़न सन। ब्लाकी रोड डैनिया 9 नंबर देखि अमरदा समलाई यो अमरदा सुंगा समलाई एउटा यो हो अर्को हाम्रो उता झुइटोल देखि पत्री शनिश्रीलाई त्यो एउटा फोकस हो हाम्रो यता तल भेगमा हामीले मलध्या टोल देखि सिटी सम्म एउटा यो फोकस हो हाम्रो। 26 करोड 30 लाख कुल लागत अनुमान कल गेल सड़क खंड के 7 किलोमीटर पीच के काम के ठेक्का महादेव खिमती साह जेवी आ 7.5 किलोमीटर पीच के काम रायमाझी हिमालयन जेवी के मिलल बाटे। मोरंग से बिनोतिम सिन्हा के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। सूर्य नेपाल प्राली सबसे बेसी कर तिर्ले बाटे। आंतरिक राजस्व विभाग द्वारा कर दिवस के अवसर में आज इतवार के राजधानी में कैल गई विशेष कार्यक्रम में 2075 क्षेत्र में सबसे बेसी कर तिरे वाला करदाता के रूप में सूर्य नेपाल प्राली के सम्मान कल गई। व्यक्तिगत आयकर तरफ सबसे बेसी कर तिरेवाला में सिद्धार्थ शमशेर जबरा बाड़न। ओहिलेखा निर्यातकर्ता तरफ डाबर नेपाल प्राली के वित्त प्रमुख पंकज बजाज मदिरा आ सिगरेट बाहेक के उद्योग तरफ जगदम्बा स्टील्स प्राली के प्रबंध निर्देशक सुलभ अग्रवाल कृषि एवं पशुपंक्षी जन उद्योग से अन्नपूर्णा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राली के वित्त निर्देशक राजकुमार पराजुली आ सहकारी तथा लघुवित्त मध्य से छिमेकी लघुवित्त वित्तीय संस्था के प्रमुख कार्यकारी रामचंद्र जोशी बाड़न बैंक वित्तीय संस्था आ विप्रेषण कारोबार मध्य राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक किरण कुमार श्रेष्ठ बीमा व्यवसाय नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा से मणिपाल एडुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप नेपाल प्राली के जनसंपर्क अधिकृत रवि कुमार बिष्ट बाड़न सूचना प्रविधि क्षेत्र मध्य से वर्ल्डिंग कम्युनिकेशन के अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल सम्मानित भेल बाड़न। ओलेखा व्यापार व्यवसाय मध्य सबसे बेसी आयकर तिरेवाला अग्नि इंटरप्राइजेस के प्रबंध निर्देशक कैबिनेट श्रेष्ठ पर्यटन व्यवसाय मध्य तारागांव रिजेंसी होटल लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक सुरेश लाल श्रेष्ठ मध्यम स्तरीय करदाता मध्य कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड के हरिप्रसाद लमसाल आंतरिक राजस्व कार्यालय सबके कार्यक्षेत्र भीतर रहके सबसे बेसी आयकर तिरेवाला वी एस सर्विसेज मॉरिसस प्राली के प्रबंधक मधुकर कार्की के सम्मान कल गेल भा। ओलेखा मूल्य अभिवृद्धि कर तरफ उत्कृष्ट कर संहिता भेल तथा 2074-75 में सबसे बेसी मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेवाला करदाता के रूप में गोराही सीमेंट उद्योग सम्मानित भेल बा। विभाग द्वारा 15 को विधा निर्धारण करके उत्कृष्ट करदाता सब छनोट करके सम्मान कल गेल हा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कर्मचारी सबके भी सम्मानित कल गेल रहे। 15वां राष्ट्रीय कॉफी दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम करके मनाओ जा रहा बा। प्रारंभिक पद्धति के व्यवसायिक कॉफी खेती में विस्तार स्वरोजगार युक्त समृद्धि कृषि उद्योग में आधार कहे वाला मूल नारा के साथ आज राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनावे लागल हा। राष्ट्रीय कॉफी दिवस के अवसर में आज गुलमी में विशेष कार्यक्रम आयोजन हो रहा बाटे। कार्यक्रम परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली उद्घाटन करके बताओल गेल बा। राष्ट्रीय कॉफी दिवस के अवसर में नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मंत्रालय द्वारा आयोजन होके लागल कार्यक्रम में सहभागी होकेला विभागीय मंत्री चक्रपानी खनाल राज्य मंत्री रामकुमार चौधरी सचिव युवक ध्वज जीसी लगायत गुलमी पुगल बाटे लोग। नेपाल में कॉफी खेती के व्यावसायिक प्रवर्धन खातिर हर साल विभिन्न कार्यक्रम करके नेपाल सरकार के ही नेतृत्व में राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाव के शुरू कर गेल हा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली भूमि से पड़ोसी देश के आपन सेना फिरता ले जाएला प्रधानमंत्री के आग्रह 1 इंच नेपाली भूमि केहू के कब्जा करे ना देवे के प्रतिबद्धता। सत्तारूढ़ दल नेकपा के सचिवालय बैठक बैठ रहा प्रधानमंत्री ओली द्वारा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सौंपे के तैयारी। सरकार के ही गलती से भारत अपन नक्शा में लिंपिया धुरा राखल विज्ञ सबके कहना बीतल कमी कमजोरी सुधारला सुझाव। 2020 में अमेरिका में नया राष्ट्रपति खातिर निर्वाचन हो रहा उम्मीदवार बने की होड़ में रहल नेता सबके सावधानी अपनावला पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के आग्रह। टी20 क्रिकेट में आज पारस खटका संदीप लामिछाने की टीम खेली पारस आ संदीप टीम में पड़े के संभावना। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनता समाचार .com में भी पढ़ आ देख सकत बानी।
सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।